नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णाकांत सिंह। नमस्कार, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आए हो, आप लोग बहुत बड़े होंगे। हां, मैं तुम्हारी मालो बाचे। क्या मतलब होता है इसका? तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई लव यू। अच्छा, ऐसा होता है? मुझे पता नहीं था, मैंने सुना है और ऐसा बोलते हुए भी देखा है तुमने। ये चीटिंग है इसकी। तो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, बांग्लादेश से रिलेटेड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साइन, जिसमें कि एक टाइगर बना हुआ है ना, और इसमें लिखा हुआ है #खेलबेटाइगरजीतबेटाइगर। हाँ, और ये लाइफ बॉय का एक एड समझ लीजिए, और ये जो थीम सॉन्ग रिलीज किया है लाइफ बॉय ने वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है इसके लिए 2019 लेटेस्ट है ये। मैंने सोचा इस पर रिएक्शन करते हैं, और वैसे भी आप लोग अपने टीम को सपोर्ट कर ही रहे होगे। हम इंडिया जीत चुकी है बांग्लादेश के साथ मैच में। हम इंडिया को कर रहे हैं, आप लोग बांग्लादेश को कर रहे होगे। तो देखते हैं, सुनते हैं किस तरीके का क्रेज है। वैसे बांग्लादेश में भी क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है, और हमारे बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं लेटेस्टली बांग्लादेश के, तो वो भी हमें बहुत सारे डिमांड करते हैं। तो धीरे धीरे हम सबकी डिमांड पूरी करेंगे, और हमने ऑलरेडी बांग्लादेश के कुछ वीडियोस पे रिएक्शन किया है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, ज़रूर विजिट करिए, आप लोगों को वहाँ पे वीडियोस मिलेगी देखने के लिए। तो ओरिजिनल वीडियो है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। कमाल के गाने लिरिक्स है इसके। जबरदस्त क्रेज है वहां पे यार। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। वेस्ट इंडीज के साथ मैच। टाइगर जीत गए, टाइगर जीत गए, टाइगर। ये है बांग्लादेश की टीम। लाइफ बॉय एक जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है वहां पे, एडवर्टाइजमेंट के साथ एक अच्छा थीम सॉन्ग रिलीज किया उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो गेम्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि क्रिकेट ही मान लो, बांग्लादेश में, इंडिया में, हमारे कंट्रीज में क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एक अलग ही लेवल का क्रेज होता है। एक ऐसा क्रिकेट ऐसा चीज है ना जिसमें हम लोग मतलब पागल हो जाते हैं। अगर हम लोग नहीं भी इंटरेस्टेड है ना क्रिकेट में, फिर भी हम लोग अगर मैच चल रहा होगा तो हम जरूर देखेंगे। और क्रिकेट की एक खासियत ये भी है कि यही ऐसे कुछ टाइम होते हैं जिसमें कि ऐसा दिखता है कि ये देश एक देश है। अब जैसे बांग्लादेश का और इंडिया का मैच हो रहा है, तो बांग्लादेश के जितने लोग होंगे वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही में कंट्री है और सब मिलके एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से एक यूनिटी भी आती है कंट्री के अंदर।
कंट्री के अंदर तो यूनिटी होनी ही चाहिए भाई, है ना। और क्या कहना चाहोगी? और मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे फीमेल क्रिकेटर्स भी दिखी इसके अंदर, तो फीमेल मतलब उनकी टीम है दिखे। और मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, इक्वालिटी है तो ऑब्वियसली ये चीजें होंगी, हमने पहले भी वीडियो देखे। फीमेल क्रिकेट भी चालू हो चुका है तो मेरे को लग रहा है कि बांग्लादेश की भी टीम ऑलरेडी रेडी है और मेरे ख्याल से खेलती भी है, क्योंकि देखते नहीं हम लोग तो इतना, लेकिन क्रिकेट लवर्स नहीं है बट वी सपोर्ट आवर नहीं, लेकिन फीमेल की नहीं देखते, वैसे तो देखते हैं क्रिकेट लेकिन फीमेल के तो बहुत बहुत कम ही देखते हैं वैसे। कल कितने रन से जीती इंडिया? इंडिया ने उनको 143 समथिंग में ऐसे कुछ आउट कर दिया, ऑल आउट कर दिया पूरी टीम। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि इंडिया ने कोई अच्छा टारगेट नहीं दिया, हार जाएगी, लेकिन अच्छा खेला इंडिया ने मेरे को, क्योंकि हमारी इंडिया की जो है कि बोलने का कि बैटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे बॉलिंग भी अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा फिर भी भरोसा नहीं जाता। वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं वो काफी लंबे हैं। ठीक है, हमें लेकिन आज बात इस वीडियो पे करनी है ना। हाँ वही, सॉरी मेरा टेस्ट नहीं था ना। और क्या अच्छा लगा? और जो थीम सॉन्ग था वो अच्छा लगा, ऑब्वियसली ये मेन चीज उसी पे ही है। बहुत ही अच्छा था, पावरफुल था। टाइगर क्यों बोलते हैं? टाइगर वहाँ का नेशनल एनिमल है ना। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, इसीलिए टाइगर वहाँ का नेशनल एनिमल है। मतलब ऑब्वियसली टाइगर इसीलिए बोल रहे क्योंकि वहाँ का नेशनल एनिमल है, हमने देखा भी टाइगर। और जिस तरीके से इसके अंदर सिटी दिखाई जा रही थी उसको भी एक अच्छा लुक आ रहा था। ये जो वीडियो बनी थी ना उसका एक मैसेज बहुत सही था। मतलब लाइक स्टार्टिंग में एक बच्चा था जो कि मतलब गली क्रिकेट खेल रहा था और उसमें फिर उसमें थोड़ी थोड़ी झलक दिख रही थी क्रिकेटर की। फिर कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब लेके जा रहे थे क्रिकेट के लिए वहाँ पे सिखा, मतलब मैच के लिए। तो इटमीन क्रिकेटर्स को बचपन से ट्रेन किया जा रहा है, ये ऐसा किया भी जा रहा है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि इसके अंदर हाँ बच्चों का एक अच्छा रोल दिखाया गया है कि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि वो क्रिकेट की तरफ जाए, और माँ बाप भी इसमें दिखाई दे रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं उसको, अपने स्कूटी में एक्टिवा में बाइक पे बिठा के उनको लेकर जा रहे हैं क्रिकेट खिलवाने के लिए, जीतने पे और ऐसे पार्टी शार्टी हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। सब लोग खुश भी हो रहे हैं इसमें। तो वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक अलग अलग जो कल्चर के लोग होते हैं सब लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, कोई अपने नेल पॉलिश को पेंट करके सपोर्ट कर रहा है, तो किसी ने अपने गाड़ी के अंदर स्टिकर्स लगा रखे हैं, है ना। तो सबका अपना एक तरीका होता है अपना लव शो करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ब्रांड होते हैं, जितनी कंपनियां होती हैं, वो फालतू के एड्स बनाए, फालतू के एडवर्टाइजमेंट बनाए, इससे अच्छा वो कुछ ऐसे एड्स बनाए जो कि पेट्रोटिक हो, जो देश के लोगों को पसंद आए, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी हो, लोग उससे मोटिवेट भी हो और एक अच्छी राह में भी जाएं। तो साथ ही साथ उससे दो, एक तीर से बोलते हैं ना दो निशाने, वो वाला काम हो जाता है। एक तो ऐड भी उनका हो गया प्रोडक्ट का, जाहिर सी बात है लाइफ बॉय ने बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट चुना हुआ है, क्रिकेट। क्रिकेट खेलोगे, आजकल अभी क्रिकेट ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्रिकेट खेलोगे हाथ गंदे होंगे, लाइफ बॉय से हाथ वॉश करके फिर खाना खाने जाओ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग थिंकिंग एक अच्छी खासी चल रही है। और इसमें कुछ कुछ बांग्लादेश के जो टीम है, कुछ कुछ नहीं मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को दिखा दिया गया है इसके अंदर। टीम को भी प्रमोट किया गया है, क्रिकेट को भी प्रमोट किया गया है, हर चीज को प्रमोट किया गया है। और ये जो चीज है ये क्रिकेट अलग अलग से करे, अलग से पैसे उसके लिए फंड आएगा कहाँ से? नहीं मतलब ऐसा होगा, इससे अच्छा कोई ब्रांड कर दे, ब्रांड तो वैसे भी अपना प्रमोशन में पैसे फेंकता है, तो लगे हाथ दो काम हो जाएगा। तो गाइस ये थी वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग बांग्लादेश से हमारी वीडियोस देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना और बताना, और वीडियो को दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी रिएक्शन वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश में रिएक्शन वैसे अभी थोड़े लोगों को, कम लोगों को पता है रिएक्शन जैसा चीज़, लेकिन रिएक्शन में हम लोग, आप लोग जो भी आप हमें डिमांड करोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम लोगों को अवेयरनेस है अभी। तुम देखते नहीं हो हमारे वीडियोस पे रिस्पांस के साथ रिस्पांस आता है, लेकिन लेट रिस्पांस आते हैं काफी। हाँ, तो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर रीच नहीं कर पाता है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं, इसलिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्लीज अभी से वीडियो शेयर कर दो ताकि जल्दी जल्दी रीच करे और इसकी ये गलतफहमी ना दूर हो जाए कि ऐसे रीच कम लोग रिएक्शन देखना पसंद करते हैं। क्यों देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कम लोगों को भी थोड़ा वो है। तो धीरे धीरे आप लोगों को यही सपोर्ट मुझे चाहिए कि लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो जरूर इतने काम कर देना। और अगर आप लोग की कोई डिमांड हो, आप चाहते हो कि आपकी ये वीडियो, आपका कल्चर, आपका
कुछ भी हम लोग को दिखाना चाहते हो तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर फेसबुक पे आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। इस बात पे मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि अभी बहुत कम टाइम हुआ है हमें बांग्लादेश पे रिएक्शन करते हुए, स्टिल आई हैव 2000 इन बांग्लादेशी फॉलोअर्स। 2000 ज्यादा? अच्छा, 2000 इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच गाइस, अभी भी जाके थोड़ा बहुत और फॉलो कर लो। उसके नीचे मेरी भी लिंक मिलेगी, मुझे भी फॉलो कर लेना। तो वैसे चलते हैं, फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस। बाय, नमस्ते।